फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, हमारे जो लर्निंग एक्टिविटी प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज की हमारी गतिविधि का क्रमांक 19 है और स्तर माध्यमिक है, और गतिविधि का नाम है बूझ पहली मोरी। तो फ्रेंड्स, गतिविधि हेतु तैयारी है क्या चाहिए। शिक्षक बहुत सी स्थानीय और हिंदी भाषा की पहेलियों को एकत्रित कर लेगा। वर्ण कार्ड, वर्णमाला चार्ट और बार खड़ी चार्ट को इकट्ठा करेगा। भाषाई खेल, खोजो भाई खाओ मिठाई लिखे। शिक्षक श्याम पट पर निम्नलिखित 5 वाक्य लिखेगा और उन वाक्यों के बीच में से एक एक मिठाई का नाम को खोजेगा। शिक्षक उस मिठाई का नाम रेखांकित करेगा, जैसे ये जलेबीज कौन लाया। अब जलेबीज कौन लाया, इसके बीच में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों से मिलकर जलेबी बन रहा है। उसने कपड़े को कागज में लपेड़ा और ले गया। लपेड़ा यदि बोल रहे हैं तो यहाँ से एक पेड़ा शब्द दिखाई दे रहा है। अमर बड़ी बड़ी बातें करता है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें यानी रबड़ी की बातें हो रही है। बर्फीला तूफान आ रहा है, यहाँ पर बर्फीला तूफान में बर्फी आ रहा है। प्राइमर 3 लेकर आओ यानी इमरती लेकर आओ। इसके उत्तर है जलेबी, पेड़ा, रबड़ी, बर्फी और इमारती। फ्रेंड्स, गतिविधि की प्रक्रिया, बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेंगे, शिक्षक स्वयं भी बैठेगा, बच्चों से उन पहेलियाँ पूछेगा और अपने दाई और बच्चे से बूझने के लिए कहेगा। अगर वो बच्चा पहेली ना बूझ सके तो उसके बाद वाला बच्चे से पहेली को बूझने को कहेगा। यही क्रम आगे चलता रहेगा। जैसे पहेली के उदाहरण है, एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ, जैसे गुलाब जामुन। 4, 5, 6 ना, इसमें एक मिठाई है ना, 6 ना। रस में मिली मलाई, बोलो कौन मिठाई, यानी रस मलाई। बालू लेकर आए साई, उसे मिले फिर भाई भाई, यानी बालू साई। 4 ठंडी 4 गरम, 4 बालूसाई, हमें किसाना किसा जो बताए उसे पाँव भर मिठाई, सर्दी गर्मी बरसात। 3 पैर की तितली नह धोकर निकली, जैसे समोसा। हरी डब्बी पीला मकान, उसमें बैठे काले जवान, जैसे पपीता। 20 साल में थोड़ा पानी, उसमें तैरे लाल भवानी, कड़ाही पूरा। हरी डंडी लाल कमान, खाकर तौबा करे किसान, यानी मिर्च। अगर शिक्षक इन पहेलियों को बच्चे से बता दे तो उसे प्रोत्साहित करें, स्थानीय भाषा में पहेलियों को पूछने का अवसर दें, कठिनाई आने पर पहेली के बारे में कुछ संकेत दें। वर्ण स्तर गतिविधियां, शिक्षक पहले बच्चे को उसकी पसंद की एक मिठाई, फूल या फल का नाम बताने को कहेगा। बच्चा जिस मिठाई, फल, फूल का नाम बता दे उसे श्यामपट पर लिखवाएगा, और शब्द न लिख पाने की स्थिति में पहला वर्ण बोलने को कहेगा और लिखवाने के लिए वर्ण भी न लिख पाए तो उस वर्णमाला को वर्णमाला चार्ट पर ढूंढने को कहेगा, और न ढूंढ पाने की स्थिति में स्वयं बताएगा, उसका उच्चारण करवाएगा, उस वर्ण का कोड वर्ण कार्ड उठवाएगा। शब्द स्तर गतिविधियाँ, जो बच्चे शब्द लिख सकते हैं उन्हें वर्ण से बनने वाला दूसरा शब्द बोलने को कहेगा, लिखने को कहेगा, उस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बोलने को कहेगा। शब्द लिखने में यदि कोई कठिनाई आती है तो 12 खड़ी चार्ट से उस शब्द की वर्तनी को देखकर और मिलाकर कहेगा। वाक्य स्तर गतिविधि, जो बच्चे वाक्य बोलने बोले उससे वाक्य लिखने को कहे। कठिनाई आने पर बच्चे अपने वाक्य के प्रत्येक शब्द की वर्तनी 12 खड़ी चार्ट में देखकर उसे मिलाकर कहेगा। शिक्षक पहेलियों के लक्षणों पर चर्चा करेगा, जैसे कुछ परिचित वस्तुओं, पशु पक्षियों, पौधा, पेड़ पौधे, फूल फल आदि की पहेलियां बनवाएगा। जो बच्चे वर्ण स्तर पर है उनसे एक समूह बनाकर उन्हें एक गोल घेरे में बिठाएगा, बच्चों को किसी एक वर्ण से बनने वाले शब्द को कहेगा। जो बच्चे शब्द स्तर पर हैं वे अपनी पसंद के फूल फल मिठाई के नाम लिखेगा। जो बच्चे वाक्य स्तर पर हैं उनसे अपनी पसंद के फूल फल मिठाइयों के नाम शब्द का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने को कहेगा। वर्णमाला चार्ट 12 खड़ी चार्ट को सामूहिक रूप से पढ़वाएगा, कुछ बात करें, कुछ काम करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, जो शिक्षक पहली बार जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल टीचर्स फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।